कंसर्न्स रखी है दिल्ली जोशी द्वारा, क्या करना चाहेंगे? दिल्ली जी आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई है? जो बिहार के डिप्टी सीएम है श्री तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने जो गुजरातियों के प्रति अभद्र भाषण किया है, साथ ही साथ में उन्होंने भाजपा पार्टी को भी संबोधित किया है, अभद्र शब्द बोले हैं कि ये पैसा लेके चले गए भारत गई तो क्या है। तो इस विषय के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे कार्यालय पर हुआ है। साथ में हमारे जुड़े हुए जीवन दादा जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं यहाँ के कर्मी सेना के, और हम साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जीवन जी, किस तरह से, क्योंकि जब भी किसी समाज के साथ या किसी के साथ भी छेड़छाड़ी की गई है या फिर किसी के ऊपर ऐसे अभद्र भाषा यूज की गई है तो कर्मी सेना ने हमेशा इंसाफ दिलाया है, तो अब किस तरह से गुजराती समाज को इंसाफ दिलाने के लिए कर्मी सेना आगे है? जब मुझे पता चला था धर्मेश भाई द्वारा किस तरीके से अभद्र टिप्पणी तेजस्वी यादव ने जो किए है, तो हमने कांदिवली पुलिस स्टेशन में पहले आपने कंप्लेन कर रखी थी, उसके बाद हमने वापस की एमएनबी में भी। और कर्मी सेना का जहां तक एजेंडा है कि कोई भी आदमी अगर चाहे वो पॉलिटिशियन हो कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप अगर कोई समाज को आपत्तिजनक शब्द यूज करके अगर बोलता है तो उसका विरोध हम कर्मी सेना वाला हमेशा करते हैं और करते आए। जब मुझे बात पता चली तो हम यहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज करिए और हमारे गुजरात के जो पत्रकार अध्यक्ष है उनसे बात करिए, गुजरात में लगभग 5-10 जगह उनके इतना वेफायर हुई है, और मुंबई में भी अभी धर्मेश भाई द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पे भी एफआईआर होगी और आगे भी जिस तरीके से ट्रिकी आएगी उनके खिलाफ हम करेंगे और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी पड़ेगी गुजराती समाज से। तो अगर माफी मांगने की बात की जाए तो वो माफी नहीं मांगे तो किस तरह से कर्मी सेना आगे, तो आप शांति से जिस तरह से पुलिस स्टेशन में लेकर दिया है आपने, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी भी अगर उसमें देरी होती है वो माफी नहीं मांगे तो क्या स्टेप होगा कर्मी सेना का? जहाँ तक पहले हम हमारी जो कानूनी लड़ाई है कानूनी कार्रवाई के हिसाब से हम आगे का काम कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी माफी नहीं मांगती है और क्योंकि उसको मैं भी ऐसे ही सब बोलता हूँ कि तेजस्वी जैसे कोई अगर अक्कल होती इस तरीके का सब मिल रही है समाज के लिए, और फिर भी एफआईआर होने के बाद एफआईआर होगी तो उनको वापस वहां पे आ जाए तो हमें पड़ेगा, और बिहार में जो हमारी कर्मी सेना की टीम है उनसे बात हुई है, अगर माफी नहीं मांगते तो सार्वजनिक तौर पे जहां भी उनकी सभा रहेगी उनकी जूतों की माला पहनाएंगे। अभिनय जी क्या कहना चाहेंगे, कितना विश्वास है कि आपने इस लड़ाई के लिए, आपके लिए गुजराती समाज क्या ये लड़ाई आपके खुद को ठेस पहुंची है या फिर पूरे गुजराती समाज के लिए? देखिए जिस तरह से मैं खुद गुजराती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजराती है, हमारे अमित शाह जी भी गुजराती है, और समाज के अंदर आप देखिए जिस तरह से कहा जाता है कर्मी सेना सिर्फ राजपूत समाज के लिए, लेकिन जिस तरह से ऐसे पहले भी बहुत सारे अलग समाज के लिए आपने काम किया और आज गुजराती समाज के जो ठेस पहुंची उसके लिए आज जिस तरह से आप फ्रंट में आके खड़े हो गए हैं, क्या सर समाज के ऊपर होने वाले कोई भी गलत बातों को लेकर कर्मी सेना हमेशा ऐसे आगे रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज के लिए सिर्फ कर्मी सेना है, कर्मी सेना सर्व समाज के लिए है, जहां जहां भी जरूरत पड़ी है। मेरे को अभी पिछले वीक में एक मैटर था, एक मारवाड़ी समाज के साथ, मारवाड़ी में चौधरी समाज का, तो उनके साथ मारपीट हुई थी, तो उनके समाज इतना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने कर्मी सेना के पास ही हेल्प मांगी और मैं वहां गया लेते थे और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, आरोपियों के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार भी करवाया। तो ये जो मैसेज है ना, हाँ ये बात है कि कर्मी सेना जो विंग है वो राजपूत समाज द्वारा बनाई गई है, लेकिन हम लोग एक क्षत्रिय जो धर्म होता है वो सर्व समाज के लिए सपोर्ट करने के लिए होता है और हम लोग करते हैं, और हमारा तो हमेशा आप मीडिया वालों को तो सबको पता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, अगर कर्मी सेना के पास आए हैं या कर्मी सेना से मदद मांगी तो उनके साथ हमेशा खड़े रहे। कर्मी सेना कभी समाज विशेष नहीं देखती है, जब भी जरूरत पड़ेगी 36 कोम के लिए हम साथ खड़े हैं, और हमारा सुखदेव दादा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उद्देश्य है वो हमेशा भाषण में कहते हैं कि कर्मी सेना 36 कोम के लिए है, सर्व जाति के लिए है, हम कोई जाति में अंतर नहीं रखते। तो अब गुजराती समाज और धर्मेश जी को इंसाफ दिलाएगी कर्मी सेना? बिल्कुल, मैं धर्मेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ इस मैटर में, और जहाँ स्टेज तक इस मैटर को लेके जाना है उस तक हम लेके जाएंगे, और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, उग्र आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, पुलिस वालों ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो पुलिस स्टेशन के बाद धरना प्रदर्शन भी करेंगे और वहां से उठेंगे नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। समाज के अंदर आप देखने जाओ तो महात्मा गांधी जी जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए बहुत सारा परिश्रम किया है, आजादी दिलवाई है, हमारे लौह पुरुष जहां तक आप जानते हो कि उनका विशेष रोल रहा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सबको एकता करके पूरे इंडिया स्टेट को, सब स्टेट्स को एकता करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो भी गुजराती है,
अब देखने जाओ तो डॉक्टर उमी बाबा भी गुजराती भाषी है। उद्योगपति में आप देखने जाओ तो जमशेद जी टाटा भी गुजराती भाषी है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजराती सिर्फ गुजराती जैन ब्राह्मण ये सब समाज गुजराती तो है ही, साथ में अगर आप देखने जाओ तो पूरे अखिल भारत के अंदर आप देखने जाओ तो मुसलमान भी गुजराती आते हैं, मारवाड़ी भी गुजराती आते हैं, हर एक कौम छोटे से बड़ा इसके अंदर गुजराती समाज आता है जो गुजराती भाषा बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे अकेले को ठेस नहीं पहुंची है, पूरे गुजराती समाज को ठेस पहुंची है। जो भी गुजराती भाषा आज पीढ़ियों से बोल रहा है उन सबको ठेस पहुंची इस अभद्र भाषण से। जीवन जी में देखा है कि कनिष्ठ जब भी है ना उग्र आंदोलन करती है, इस पर कुछ उग्र आंदोलन करने का प्लान है? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो श्रीमान सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी साहब है, उनका हमेशा एजेंडा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ठेस पहुंचाते तो उसके विरोध कड़े विरोध में उतरते हैं। और धर्मेश भाई ने जो मुद्दा उठाया, यहाँ मुंबई में रहकर, यहाँ तो गुजरात में लोगों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा शब्द तेजस्वी यादव ने बोला है। तो धर्मेश भाई ने मुद्दा उठाया तो मैंने फिर वो पूरे मैसेज गुजरात की टीम को दी और वहां पे अहमदाबाद, अपना भुज में, सूरत में, सब जगह FIR कंप्लेन हुई है, कोर्ट में भी लोगों ने कंप्लेन दर्ज की है और आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसको बड़े तरीके से तेजस्वी यादव को ये याद दिलाएंगे कि किसी समाज को बोलना कैसे परेशान होना पड़ता है, वैसा उसको परेशान करेंगे और वो माफी मांगेंगे। देखा गुजरे लोग शांति प्रिय लोग हैं, इस तरह की बातें सामने आती तब वो उग्र हो जाता। देखिए गुजराती लोग शांति प्रिय इसलिए है कि ज्यादातर गुजराती भाषी जो भी है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। आज आप देखने जाएंगे, आपने जो प्रश्न पूछा तो उसका मैं दो शब्द आपको ये भी बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को फोकस अपने स्टेट पे करना चाहिए जहां उनकी जवाबदारी दी गई है। आज वहां बिहार से सिर्फ गुजरात के अंदर 5 से 7 लाख व्यक्ति आते हैं रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, जहां पर उनको फोकस करना चाहिए कि बिहार में वो सब काम उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे स्टेट से अदर स्टेट में ना जाए, वहां पर सबको रोजगार मिलना चाहिए। आज आप देखेंगे कि भारत आज की तारीख में 5वें क्रमांक के ऊपर GDP पे और बहुत ही जल्दी 3रे क्रमांक पे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 ट्रिलियन का प्रॉमिस किया है तो वो सब समाज को साथ में लेके चल रहे, ना किसी समाज के विषय में वो विशेष टिप्पणी देते हैं, ना कोई बातचीत करते, वो सर्वधर्म को साथ में लेके चल रहे। तो ये बात का तेजस्वी यादव जी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जाके मजदूरी करते, हमारे स्टेट में हम सिर्फ गलत काम करते हैं और उस विषय के ऊपर हम ध्यान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एक आप पत्रकार सब बैठे हो भाई यहाँ पर, तो मनीष कश्यप का भी आपको मालूम है कि आज उनकी क्या दशा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उनके उनकी जो सीमा है उसी के अंदर वो परेशान करेंगे। मगर आज जो गुजराती समाज के विषय में अभद्र भाषण किया है, प्लस भाजपा पार्टी को किया है, जो उन्होंने बोला है कि पैसे लेके चले जाएंगे यहाँ से, तो उनको ये सब चीज छोड़ के उनको खुद के स्टेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए जहां पर उनको जवाबदारी मिली है। पुलिस कंप्लेंट की कुछ एक्शन वगैरह जी, पुलिस कंप्लेंट अभी मेरी हुई है, प्लस पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट भी कर रही है, अब तक सपोर्ट कर रही है। मेरा स्टेटमेंट 24 तारीख को लिया गया, रिकॉर्ड किया गया है, तो और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम आपकी ये मैटर हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बात करके जल्द से जल्द एक अच्छे स्टेज पर लेके आएंगे, पॉजिटिव रिप्लाई आपको देंगे। इस तरह से हमारी बातचीत हुई है। साथ में मेरे साथ कर्मी सेना जुड़ी हुई है, तो जब जैसा भी जीवन दादा ने बोला कि सुखदेव दादाजी को और योगेंद्र दादाजी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने सीधा बोला कि नहीं, हमको ये अभद्र भाषा के लिए जो विशेष टिप्पणियां की है उसके खिलाफ हमको खड़ा रहना है। जीवन जी आप जाइए, धर्मेश को सपोर्ट करिए और उनका वहां से बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरे ख्याल से कुछ जीवन दादा गुड न्यूज भी देने वाले हैं कि अभी वो जा रहे राजस्थान, तो वहां से सुखदेव दादा, योगेंद्र दादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये विषय के ऊपर मेरे सपोर्ट में वहां पर भी देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन अभी मुझे 2 मिनट पहले दिया। आंदोलन करने वाले आंदोलन करेंगे। देखिए हक की लड़ाई के लिए अगर आंदोलन की बात होती है, एक समाज के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है, आज एक गुजराती समाज के लिए किया है,
कल मारवाड़ी समाज के लिए करेंगे, परसों महाराष्ट्र के हिसाब से करेंगे, साउथ के लोगों के लिए करेंगे, उत्तर भारतीय लोगों के लिए करेंगे। तो इस उनकी जो टिप्पणी है उनके लिए अगर वो जरूरी हुआ तो भी मैं और हम और कमिश्नर दोनों साथ में मिलकर उसका आंदोलन भी करेंगे और उसको हमको ये न्याय चाहिए, वो माफी मांगना ही चाहिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जीवन जी, जिस तरह से कहा जाता है